छेवें दी आख्या हुण मर्यादा कुछ बदलनी पवे क्योंकि शक्तियां दी भी अत हो चुकी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने थां थां ते ओ कुछ कीता जो पीरां फकीरां दे मुंहों निकलिया। ए फकीर वड़ा अताई अताई हुंदा जिहड़ा अत कर देवे किसे गल। गुरु नानक ने अत कर दिती क्योंकि जितने पीर फकीर सन सृष्टि ते सब थाई आप गए और सब किसे दे मुंहों निकलिया धन नान। सिद्ध जेड़े आप तो वड्डा कभी किसे नूं समझदे नहीं सन उन्होंने भी सिर झुका के आखिया धन नानक तेरी वड़ी।
सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड़ी कमाई जदों सिद्ध गोष्ठ कीती। सिद्धां दे अंदर हो गई शांति। जेड़े भांबड़ पै मचदे सन सारे बुझ गए, तेरे बिना अग कोई नहीं सी बुझा सका। दुनियादारा दे मना विच दुनिया दे भांबड़, पीरां फकीरां दे मना विच शक्तियां दे भांबड़ तेरे दर्शन करदियां ही बुझ गए। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शब्द शांत सिद्धां विच आई, जिन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश कराई। सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड़ी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया कल युग अंदर जोत जगाई। ते जिवें गुरु नानक ने अत कीती करा माता दी, तिवें पंजे पातशाह ने अत कीती शांतमई। पैरी कंडा चुभे ते मूंह हाय ना निकले, तत्तियां लोहां ते बैठ लकड़ियां दे ढेरां दे ढेर बल गए। लो अगवानू लाल है ते उत्ते बैठे हैं, ते पे आखदे हैं तेरा किया मीठा लग। पंजां पीरां ने ऐसे पंज प्याले पीते के जिस लाइन ते गड्डी चलाई सी ऐन तोड़ पहुंचा दिती। हुण जंक्शन स्टेशन ते आन के गड्डी ने रस्ता बदल। माता जी सवेरे उठे बाणी पढ़दियां चक्की पीठी मिसा आता, कणक दे विच कुछ छोले रलाए, आटा पीसया ते फिर ओ मिसे प्रशादे पकाए। जिवें साहब ने सुमत दित्ती सी आखिया बहुतियां सब्जियां भाजियां दी लोड़ नहीं। बस मिठे प्रसादे ते लस्सी नाल कुछ गंडे लेने खुश होके खांदे, क्योंकि हिरदे ते बह के सतगुरु रोज आप भोग लांदे सी। पता सी बाबा जी किस शय नू पसंद करदे। माता जी ने उसे तरह सारा प्रबंध कीता, चक्की पीठी मिसे प्रसादे पकाए, लस्सी दा गड़वा भरिया, उत्ते रखिया छन्ना ते विच पाए कुछ गंडे, सिर ते चुके प्रसादे ते नंगी पैरी जुत्ती नहीं पाई। एक अकले माता जी तुरे तुरे ते फिर किथे पहुंचे। ओ बाबे दीदी कईयां नूं मोटर ते जांदियां भी थकेवां हो जांदा। पिछली वारी जदों जा रहे सां तां सोचदे सां इस राह तो माता जी आए, कितनी दूर है ये थां। पर धन माता जी भई रुतवे मरातवे भी ओही पाउंदे हन जिन्हां ने गुरु के बचना ते सत वचन की। हुजतां वाले हमेशा खाली रहे, साची खिदमत हुज्जत दूर। सच्ची खिदमत ही उसे दी है जिस अंदर हुज्जत नहीं। जे हुज्जत पड़ी तो खिदमत नू भाग कोई ना लगे। सत वचन करके माता जी नंगी पैरी एक अकले जो सवेर दे तुरे तुरदियां दोपहरां हो गईयां ता किते जाके पहुंचे। अज बाबा जी बड़े व्याकुल हैं, उठदे हन मुड़ बैंदे हन दो चार कदम तुर के फिर उठे जा बैंदे हन। सेवादार बड़ा हैरान, बाबा जी अज की गल है बड़े व्याकुल दिसते हो। कहन लगे बड़ी भुख लगी, भुख लगी अब मैं भज के लियावा कितों प्रसादा। अच्छा लगे तू कदों क लियाएगा, सानू तो होने चाहिए। एडी भुख लगी है जो व्याकुल हम किसे भुखे नु पुछिया सी एक ते एक उन्हें आखिया दो रोटियां।
क्योंकि उन्हें तो रोटी की लोड़ सी। तो बाबा जी ने आखिया इस वेले रोटी की बड़ी भुख है, बड़ी व्याकुलता है, ताइए जे दिस पे माता जी ते बाबा बुढ़ा जी भजे उतों भज के आए मां नूं मत्था टेके। ते फिर मत्था टेक के जदों खड़ोते ते आखण लग्या, मां ना बच्चियां दा ख्याल करेगी तां कौण करेगा। ते मोहलत नहीं दित्ती फिर सिरों ओ रोटियां बाबे बुढ़े ने आप चुक लईआं। लस्सी दा गड़वा ते छन्ना विच गंडे सन सारा कुछ लह के उथे ही बैठ अपनी हथी गंढ खोली प्रसादे कढे ते लस्सी दा भरिया छन्ना, ना सब्जी ना भाजी कुछ नहीं, एक हथ नाल रोटी चक मारदे हन ते दूजे नाल घुट लस्सी दा भरदे। मां किड्डा स्वाद, मां कितना कु रस पाए इन्हां प्रसादियां विच। ते फिर निगाह पै गई गंढिया ते रख के प्रसादा ते छन्ना चुक लिया गंढा, उतों ला के छिलका गंढे तो ते रखिया अपने खब्बे गोडे दे उत्ते, खब्बे हथ नाल फड़ के ते उतों मारी सजी हथ दी मुक ते गंडा पनिया ते आखन लगे, मां तू एवें उदास होई फिरनी है, कौन कहंदा गंगा माता निपुती है, तेरे घर तो ऐसा पुत आएगा वीर बहादुर जो मुगलां दे सिर इंज बनेगा। नाले गंडा भन्नन ते नाले वरदान दे, माता नू आखन दी लोड़ ही ना, मंगन दी लोड़ ही नहीं पैंदी, जे हिरदा शुद्ध भावना संपूर्ण होवे, ते जे भावना संपूर्ण न होवे ते हृदय विच भी होवे कपट ते फिर करदा रवे अरदासे जुगा ताई बेशक नहीं पूरी। सारी रोटी खाती, जितने प्रसादे पका के ले गए, आज आनंद आया प्रसाद का, जितनी वारी गंडे भन्ने उन्नी वारी वरदान कीते, माता तू बेशक ख्याल ना कर, कोई नहीं जमया तेनू ये शराप देन वाला, शराप देन वाले आपे पच जाने, तेरा लाल वो तो मीरी पीरी दिया पहनने वाला है, वो तो दल भंजन गुर सूरमा बद जो धाव पर पकाई, इंज भुनेगा। सचमुच छेवें पातशाह जैसा बहादुर कोई नहीं संसार विच। एक पठान सी, पठान साहब दी नजर पई, आखिया बड़े डील डौल वाला है, जिसकी परवरिश कीती जाए तो बड़ा कम आ सकता है। उसे दिन तो साहब ने अपनी फौज विच उसका नाम लिख लिया, पैदे खान जिसका नाम सी, राशन लगा दिता, मज्जा रख दितियां, ले भई पहलवाना चुंग मज्जा ते खा रज के गुरु नानक दा घर है। ओ तो बड़ा सूरमा निकलिया, एडा सूरमा जो रुपये नू इन अंगूठे नाल मल देवे ते अखर मिट जान। छेवें पातशाह दा बाज उड़िया ते ओ फड़ लिया उसके जवाई ने, साहब नू जिस वेले पता लगा सुनिया भेजिया, पहले खान तेरे जवाई ने बाज फड़ लिया, जाओ बाज लिया। उन्हें आख्या, महाराज लड़की दे घर बाप जांदा सोभदा नहीं, एक बाज दी खाते जैसा बाज आखो होर लै दिना। साहब ने आखिया, होर तो असी भी लै सकते हैं पर इन जरा बाज फड़ने किसे दा समझ ले यग दा कोड़ा फड़ना, जे हिम्मत होवे तो कोई पकड़े नहीं तो जुरत न करे। कहदे खान दे मन विच आई, सतगुरु सानू समझ दे क्या है कि असी हिम्मत विच घट हाँ, तो ओ पैदे खान बेमुख होके बादशाह दी फौज विच जा रले।
साहब ने आख्या चंगा भाई इथों खा पी के पहलवान बन के साडे ही मुकाबले ते आएगा। ते सचमुच जिस वेले मुकाबले ते आया ते साहब ने ललकारिया तो वह पैदे खान क्योंकि साहब एडे शाहजोर सन एडे बलवान सन कि दल भंजन गुर सूरमा बड़ योद्धा बहु पर उपकार बड़े योद्धे सन। जिस वेले ललकारिया पेंदे खान नू तो पेंदे खान नू इंज जापिया भी मैं गिद्दर हाँ तो मेरे अगे शेर खड़ोता। तो ए बचन बाबे बुढ़े जिस वेले माता जी परत के आए भांडे लेके नंगी पहरी गए सन नंगी पहरी चल के आए छामा पै गई आए ते भांडे रखे जिते साहब बैठे सन जा डंडौत कीती हजूर ने तकिया के आखिया गंगा जी जापदा मुरादा पा लिया पातशाह तेरी कृपा तू ना सुमत देंदा तो मैनू अकल कित्थे आनी मैं तो शराब ही लेके आई सा। तो फिर साहब ने जिस वेले हरगोबिंद पातशाह का होया जन्म ते फिर शब्द उचारे ते नाल आखिया जो कोई माई पुत्र दी आस करके इस शब्द नु बार बार पढ़ेगी उसकी गोद हरी होगी। सतगुर साचे दिया भेद चिर जीवन उपजिया संजोग उदरे महे आए किया निवास माता के मन बहुत विगास जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुरक। उधर जिस वेले बालक दे जन्म दी खबर सुनी तो करमो मुड़ आखन लगी बस तेरी वाक्सता भी गई तेरी जबान जो कुछ आखती है वो भी सच नहीं हुंदा तू आखिया सी इन्ने पुत्र रहेंगे ले पुत्र जमीन आखिया क्यों भाई फिक्र करनी है ये बचेगा ता ना ये जवानी चढ़ेगा ता जाना गे ना कुछ दिना दा मेहमान है चल बसेगा ते हुण लग पिया पृथ्वी चंद सोचा सोचन भई किसे तरह हर गोविंद नू मार पर जितनी वारी उसने वार कीते साहब ने आखिया ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुरु के बल जाई बलिहार गुरु नानक दे चरणा तो सब फल संगत दे विचों प्राप्त हुंदे हन। हर गोविंद नू भी संगत ने बख्शे ऐ शुकरी कृपा नाल तो गंगा तू धीरज धर तत्ती वाव न लागे पार ब्रह्म शरण है जो कोई चाहुंदा मैनू तत्ती वाह न लगे ओ पार ब्रह्म दी शरण आ जाए उस दे विच चवी पासी इक लकीर फिर जाएगी ओ लकीर दुखां नू अंदर नहीं आउण देवेगी चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न भार। ए भाई साहब ने फिर पौड़ी उचारी और जो जो भाई साहब दी रसना तो वाक निकले वो सारे सत 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 होए क्योंकि सिख दी रसना जपण वाले दी रसना बाबे बुढ़े दी रसना ने जो कुछ आखिया अनथा न गया तो साध संगत ते सब फल पाए। ये भी कोई चाहता है कि मैनू कोई फल दी इच्छा है लोड़ है तो संगत नाल बने आवे संगत विच गुरु वसदा है और गुरु दी शरण आया तो तीवार नहीं लगती। हम कीर्तन समाप्ति बुला चुका बखनिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।